शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। पहले दिन की जो परीक्षा थी, न सिर्फ परीक्षार्थियों की बल्कि यूपी पुलिस की भी परीक्षा संपन्न हो गई है। पहले दिन की दो पालियों में आरक्षी भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। लखनऊ, मेरठ, फिरोजाबाद, अलीगढ़ में परीक्षा हुई है। गाजियाबाद, वाराणसी, इन तमाम अलग अलग जगहों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। और देखिए, पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। और दूसरी पाली का जो वक्त था वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त था। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे। तो दूसरी पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। 5 दिनों तक ये परीक्षा चलने वाली है। देखिए, 23, 24 और 25 अगस्त को ये परीक्षा होगी, साथ साथ 30 और 31 अगस्त को भी परीक्षा होगी। तो पहले दिन की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। बड़ी परीक्षा और कड़ी सुरक्षा। आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ, वाराणसी, बुलंदशहर, मेरठ, प्रयागराज, देवरिया, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुजर कर इन तमाम अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर्स में प्रवेश करने दिया गया। और देखिए, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। इस तरह से आज जो यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा है वो संपन्न हुई है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए किस तरह से सामने आ रही हैं। बदायूं, सीतापुर, बस्ती, बाराबंकी, रामपुर, गोरखपुर, झांसी, हापुड़, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके खास इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है और तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनके परीक्षा सेंटर्स से निकलने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये बड़ी परीक्षा, बड़ी एक प्रतिष्ठा की बात जी यूपी सरकार के लिए बनी हुई थी, अब पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है। अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है, सकुशल ये परीक्षा संपन्न हो गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी ये परीक्षा जो है वो मानी जा रही थी सिपाही भर्ती परीक्षा, और आज दो पालियों में इसको संपन्न कराया गया है। सुबह 10 से 12 जो है फर्स्ट फेज में इसको संपन्न कराया गया, जिसमें कहीं से कोई जो है गड़बड़ी वो जो है सामने नहीं आई। इसके अलावा जो सेकंड फेज की परीक्षा है 3 से 5 वो अब संपन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको सेंटर्स दिखाई दे रहा है नेशनल पीजी कॉलेज, यहीं पर जो अंदर जो अभ्यर्थी हैं वो सेकंड फेज की जो परीक्षा है वो दे रहे हैं, क्योंकि अब 5 बजे का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका। आप देख सकते हैं कि सेंटर्स के बाहर जो है बाकायदा घड़ी लगाई गई थी, क्योंकि 2:30 बजे तक जो है वो टाइम दिया गया था कि यदि जो अभ्यर्थी 2:30 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे उनको जो है एंट्री दी जाएगी, उसके बाद बाकी अभ्यर्थियों को जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि घड़ी भी बाकायदा लगाई गई है ताकि लोगों को जो है किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो 5 बज चुका है, जो समय है सेकंड फेज की परीक्षा का वो ख़त्म हो चुका है, और अब कुछ ही देर में यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आएंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो भारी सुरक्षा का जो घेरा है वो यहाँ पर तैनात किया गया था, भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके जानने वाले हैं, परिचित हैं, जिनके जरिए वो परीक्षा देने यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी जो भीड़ है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार और प्रशासन द्वारा की गई हैं, और बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस सरकार और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज थी ये परीक्षा। और जो पहला दिन है वो हालांकि जो है पूरी तरह से अच्छे माहौल में ये परीक्षा जो है संपन्न कराई गई है। तमाम जो है बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया, जिसके वेरिफिकेशन के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उनको एंट्री दी जा रही थी। इसके अलावा सभी जो विंग है, चाहे STF की बात करें, ATS की बात करें, सबको इसमें लगाया गया ताकि किसी भी तरह की कोई जो गड़बड़ी है वो सामने ना आए। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफ़ी बेहतर जो है पाई गई। इसके अलावा सरकार की तरफ से तमाम वो इंतजाम किए गए ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। परिवहन विभाग की तरफ से बिल्कुल जो है ये कहीं ना कहीं अनूप चुनौती थी सरकार के समक्ष भी, यूपी पुलिस के समक्ष भी, क्योंकि ये लगातार आरोप लग रहे थे कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये किरकिरी बना हुआ था।
लेकिन इस बार पहले दिन की जो परीक्षा जिस तरह से संपन्न हुई है, जितेंद्र अगर बात की जाए तो ये सरकार पहले दिन की परीक्षा में पास होती हुई नजर आ रही है। अभी तक की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह के इंतजाम सामने आ रहे हैं और सॉल्वर गैंग जो है उस पर जिस तरह से नकेल कसी गई है, साइबर सिक्योरिटी जिस तरह से उस पर ख्याल रखा गया है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले दिन की जो परीक्षा है उसमें सरकार भी पास होती हुई नजर आ रही है और अभ्यर्थी भी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शांतनु, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से निकलने के बाद बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ साथ सरकारी विभाग के अधिकारी, यहाँ के SSP, जिलाधिकारी, इन ऑल उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी कहाँ किसी जिले से इस तरह की कोई खबर आई हो जहाँ परीक्षा को लेकर कोई असमंजस पैदा हुआ हो, जहाँ कोई सॉल्वर पकड़ा हो या फिर कोई प्रश्न मार्केट में सोशल मीडिया पर दिखाई दिया हो। बिल्कुल सब भ्रामक चीजें हैं और इस तरह की कोई अभी तक चर्चा में भी नहीं है, उसकी कोई पुष्टि भी नहीं की गई। और साफ तौर पर जो SSP और जिलाधिकारी दोनों 5 दिन से मैं लगातार देख रहा था, लगातार जो अधिकारियों के साथ बैठक, जो परीक्षा निरीक्षक हैं उनके साथ बैठक और जो तमाम अधीनस्थ जिनकी ड्यूटी लगाई गई उनके साथ बैठक, और सख्त निर्देश थे, एक ही बात थी कि अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हो। तो सख्त लिहाजे में जिस तरह मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधीनस्थों को निर्देश दिए थे उनकी कंप्लायंस जिले भर में दिखाई दी गई। हर एक व्यक्ति को लगा कि हम अपने ऊपर क्यों ले लें, तो DM अपने अधीनस्थों पर तैयार थे कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तुम जेल जाओगे, मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लिखा जाएगा। SSP अपने अधीनस्थों से कह रहे थे आप जेल जाओगे, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। तो भय भी था, शासन की मॉनिटरिंग भी थी और पुनरावृत्ति ना हो इस चीज के लिए पहले से पैरामीटर जो तैयार किया गया था वो भी था। लगातार हर 15-20 मिनट बाद ये गाड़ियां निरीक्षण कर रही हैं और ये तमाम ये इंस्पेक्टर और उनके अधीनस्थ सुबह से यहाँ मुस्तैद हैं, किस व्यक्ति को किस क्राइटेरिया के तहत जाना चाहिए अंदर वो सब चीजें चेक कर रहे हैं। और सुबह से अब तक दूसरी पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है शांतनु, कुछ ही देर में जो परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे और इस बात में कोई दोहराई नहीं है, काम कोई अच्छा करे उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो इस पूरे परीक्षा में पहले दिन जो पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है, जो सिस्टम में लगे लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। वो टस से मस नहीं हुए, वो लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याएं थी जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे थे, कुछ क्लरिकल इश्यू थे उनको पहले से समझा रहे थे, ऐसा नहीं कि खड़े हैं एकांत में। तो ये सब चीजें मैं देखा, मानवीय भाव भी देखा गया पुलिसकर्मियों में, महिला पुलिसकर्मी तैनात थी उनमें, है ना, कई महिला थी जो गोल्ड पहन के आई तो उनको बताया कि हाँ सेफ साइड रखिए, किसी अपने व्यक्ति को दे दीजिए। तो ये सब चीजें जो मानवीय भाव होता है, ड्यूटी अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह है, लेकिन आप मानवीय भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण रहती है। तो आप पुलिसिंग के रूप में काम तो कर रहे हैं लेकिन लोगों की मदद भी कर रहे हैं, वो भी कई सेंटरों पे देखा गया, कोई परेशानी नहीं पता चला। पिछली बार याद हो तो कई ऐसा था परीक्षा केंद्र में रहने से, अंदर प्रवेश होने से वंचित रह गए, तो कोई बेहोश हो गया, कोई रोने लगा, ये सब चीजें पहले से तैयार थी। खास बात ये भी थी जो परीक्षार्थी लगभग जो बैठे हैं उसमें 95% पुराने परीक्षार्थी थे जिन्होंने पिछली परीक्षा को समझा था, बारीकी से जाना था, किस क्राइटेरिया में जाना चाहिए, क्या ले जाना है क्या नहीं। तो इसकी भी एक्सरसाइज कम करनी पड़ी उन परीक्षार्थियों को भी और उन जो सेंटर पर लगाए गए अधिकारी थे उनको भी। और इस वजह से उनके लिए अपेक्षाकृत इस बार काफी ज्यादा आसानी भी रही है। नरेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अब पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है, अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये परीक्षा जो संपन्न हुई है, तमाम व्यवस्थाएं जिस तरह की थी, तमाम अभ्यर्थियों की जो फीडबैक थी, किस तरह से पहले दिन की परीक्षा को देखा जा रहा है? देखिए, मेरी बहुत सारे परीक्षार्थियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब की बार ऐसा लग रहा है कि हाँ उत्तर प्रदेश की सरकार UP पुलिस की भर्ती परीक्षा ऑर्गेनाइज करा रही है। कोई भी कहीं भी लापरवाही नहीं, कहीं कोई चूक नहीं, एरर प्रूफ परीक्षा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की सख्ती परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान देखी गई उसको परीक्षार्थियों ने मन से स्वीकारा। उसकी वजह यह भी है कि जब पेपर लीक हुआ था पिछली दफा, उसके बाद से लेकर अब तक का जो टाइम है वो करीब करीब 6 से 8 महीने का है। तो अब उन परीक्षार्थियों को जो नौकरी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनको ये लगता है कि ये परीक्षा उनके जिंदगी की बहुत अहम परीक्षा है और उनको एक सरकारी नौकरी दिला सकती है और इससे बड़ा ऑप्शन, इससे बड़ा मौका उनके पास कोई नहीं है। इसलिए पूरे सिस्टम में जो भी प्रोसीडिंग थी, जहां जहां जो भी बाधाएं थी, जो भी
नियम थे उन सब चीजों को परीक्षार्थियों ने स्वीकारा है। और अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज अपने आप को साबित करके दिखाया है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से जो जोन के रेंज के अधिकारी, इसके अलावा जिले के एसएसपी और डीएम इस पूरी परीक्षा में जुटे हुए थे, उन्होंने ये साबित किया है कि जो सिस्टम अगर काम करने पे आ जाए तो वो ऐसा भी काम कर सकता है जो एक नजीर स्थापित हो। तो आज की जो परीक्षा है ये पहले दिन की परीक्षा है, बहुत ज्यादा खुश होने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी चार दिन की जो परीक्षा है वो और बाकी है और जितना कवायद, जितनी कोशिशें आज किए गए हैं इससे ज्यादा कोशिशें आपको अगले आने वाले दिनों में करनी होंगी क्योंकि करीब 7 से 8 राज्यों के जो परीक्षार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जाकर परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी डील करना है, केवल परीक्षा केंद्र तक ही पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था सीमित नहीं है, उनको ये भी देखना है कि हजारों की तादाद में जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको कैसे शहर में लाना है, उनके लिए कहां सोने रहने के इंतजाम हो सकते हैं, इसके अलावा उनको कैसे सकुशल उनके घर तक पहुंचना है, उसके लिए क्या साधन होने चाहिए, इन सब चीजों का इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस प्रशासन ने किया है और उसका रंग भी दिखने लगा है। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से नकलची और जो सॉल्वर थे, सॉल्वर गैंग थे, वो कहीं उनकी आहट तक नहीं हुई, उसका पूरा श्रेय जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ और जितने भी अधिकारी इस परीक्षा में लगे हुए उनको जाता है। इसके अलावा जिले के एसएसपी डीएम, खास करके मेरठ के अगर एसएसपी डीएम हमने देखे हैं तो आज पूरे दिन उनकी गाड़ियां जो है वो परीक्षा केंद्रों पर मूव करती रही है। इसका भी असर है कि उनका जो नीचे का पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से बिल्कुल, देखिए तमाम अधिकारियों को भी जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र कहीं ना कहीं दी गई थी, निचले स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दी। जितेंद्र का एक बार रुक कर लेते हैं, उसके बाद मैं अनूप आपके पास आता हूं। जितेंद्र, तमाम परीक्षार्थी अब परीक्षा केंद्रों से बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें हैं और क्या कुछ कहना है परीक्षार्थियों का? बिल्कुल शांतनु, कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, मुझे लग रहा है 1-2 मिनट का समय है और मेरे सहयोगी राहुल उपाध्याय आपको सामने की तस्वीरें दिखाएंगे। ये तमाम परीक्षार्थियों के अभिभावक हैं, किसी का बेटा परीक्षा दे रहा है, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का भतीजा, ये तमाम लोग इस उम्मीद से हैं कि कब परीक्षा छूटेगी, कब उनको यहाँ से ले जाएंगे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के लोग भी, कोई ट्रैफिक जाम ना लग जाए, परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, तो ट्रैफिक इंचार्ज और उनकी टीम भी मुस्तैद है क्योंकि शहर का प्रमुख जो पॉश इलाका है एमजी रोड, उसका ये परीक्षा केंद्र है महात्मा गांधी बालिका पीजी कॉलेज, तो यहाँ से जाम की स्थिति ना लगे। तो कुल मिलाकर जो परीक्षार्थी अब कैसे वापस हो, कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में, व्हीकल्स को लेके कोई इशू ना आए, ये भी समझने की बात थी और इस पर प्रशासन ने ध्यान दिया है, एसएसपी ने ध्यान दिया है और इस चीज को खास तौर पे कहा गया कि जाम की स्थिति ना पैदा हो। तो जाम आज दिन भर देखा गया, अधिकांश जाम की स्थिति बिल्कुल, जैसे ही परीक्षार्थी बाहर आते हैं मैं आपके पास वापस आऊंगा जितेंद्र। लेकिन अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, अनूप परीक्षार्थियों को दिक्कत इस बात से नहीं है कि सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कितनी जगह पर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि अगर ये परीक्षा पेपर लीक होता है या फिर नकल जैसी कोई समस्याएं सामने आती है तो परीक्षार्थियों को ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि नरेंद्र ने भी बताया कि देखिए इतनी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी लेकिन इससे परीक्षार्थियों को दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत इस बात से है कि पेपर लीक ना हो और उसके इंतजाम फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं पहले दिन की परीक्षा, लेकिन अभी 4 दिन और बाकी है तो इसी तरह के इंतजाम जो है वो आगे भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से ये परीक्षा पिछली बार जो है गड़बड़ी की भेंट चढ़ी थी तो लिहाजा जो अभ्यर्थी हैं वो सीधे उनके मन में बस यही एक सवाल था कि इस बार ये जो परीक्षा है वो अच्छे माहौल में संपन्न हो, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मेहनत की थी और वही मेहनत जो है वो लगातार इस पेपर में भी दिखाई दी। अभ्यर्थी जो यहाँ पे पहुँचे थे उनका साफ कहना था कि वो ये चाहते हैं कि ये जो सिपाही भर्ती परीक्षा है जिसमें वो शरीक हो रहे हैं वो पूरी तरह से जो है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अच्छे माहौल में संपन्न हो, ताकि जिस लक्ष्य के लिए, जिस मकसद से ये पेपर दे रहे हैं वो मकसद जो है पूरा हो सके और कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी है वो उसमें सहभागिता कर सके। और यही वजह है कि इस बार जितने भी सख्त कदम उठाए गए सभी का जो है पालन करने में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है उनका भी जो है कहीं सहयोग दिखाई दिया। जिस तरह से यहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की गई, तमाम चीज़ें जो है वो
यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर कराया गया, उन सभी चीज़ों में अभ्यर्थियों का भी सहयोग मिला। और बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड से लेकर के खुद उत्तर प्रदेश के DGP, पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, इसके अलावा जो प्रशासन के लोग हैं, DM हैं, कप्तान हैं, सभी की कहीं ना कहीं एक अच्छी सहभागिता रही। क्योंकि जिस दिन से ये डेट जो है ऐलान की गई कि अब परीक्षा जो है 15 तारीखों में होनी है, उसके बाद से ही लगातार इस पर काम किया गया। और यही वजह है कि उसका रिजल्ट भी सामने आया कि हमने देखा कि जो आज पहले दिन की परीक्षा है उसमें अभी कहीं से भी कोई किसी तरह की गड़बड़ी की जो बात है वो सामने नहीं आई है। खुद उत्तर प्रदेश के DGP जो है वो भी खुद निरीक्षण करने निकले थे, तमाम सेंटर्स का उन्होंने भी जायजा लिया, तमाम अभ्यर्थियों से भी बात की, जो अंदर की व्यवस्थाएं थी उसका भी उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। जो अधिकारी लगाए गए थे उनको सख्त निर्देश था। ठीक है, यहाँ पर रोकते हैं आपको अरुण, वापस आपके पास आते हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र बताइए, क्या तमाम परीक्षार्थी बाहर आना शुरू हो गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? थोड़ी देर में जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर आएंगे और हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की जो परीक्षा हुई है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का भी है। पिछले दिनों जिस तरीके से एक कड़ा कानून बनाया गया उन लोगों के खिलाफ जो इस तरीके के संगठित गिरोह चलाते हैं, जिनमें परीक्षाओं में पेपर लीक करना, सॉल्वर गैंग बैठाना, ये सब उनके प्रयास रहते थे, ये सब उनके कृत्य रहते थे, उन सब पर एक तरीके से सरकार ने कुठाराघात किया है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अब की बार जो कानून में सजा है, मुकदमा दर्ज होने के बाद 1 करोड़ रुपए का दंड और 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो आप सोचिए कि कौन सॉल्वर ये चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक करे या फिर किसी परीक्षा केंद्र पर किसी परीक्षार्थी के बदले जाकर बैठ जाए, उसका पेपर सॉल्व करे और उसके बाद उसकी जो पूरी जिंदगी है वो जेल में गुजरे और जो जुर्माना उसके ऊपर सरकार लगाती है तो वो जेल में केवल बर्तन मांजते हुए ही नजर आएगा। तो ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए अब उत्तर प्रदेश मुझे लगता है बिल्कुल मुफीद नहीं रह गया है। जिस तरीके से सरकार ने ऐसी परीक्षाओं को ये प्रायोरिटी पर लिया है और ये तय किया है कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई भी पेपर कोई भी परीक्षा है। नरेंद्र देखिए, और ये कहा जाए कि ये तैयारी एक दिन की नहीं है, जिस तरह से आपने कहा कि काफी लंबे वक्त से इस तरह की तैयारी की जा रही थी, कानून बनाया गया और उसी का नतीजा भी आज दिखाई दे रहा है। लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है? पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है, क्या रुझान जो है वो तमाम परीक्षार्थियों का नजर आ रहा है और पहले दिन की परीक्षा में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा के इस बार इंतजाम बहुत कड़े किए गए थे। वजह ये थी कि एक बार पहले ही पेपर लीक हो चुका था और सरकार को एक बार फिर से पेपर कंडक्ट कराने में करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ता है। और इससे पहले सरकार ने एक वेल प्लान्ड तरीका अपनाया था कि उन्होंने पहले इससे संबंधित की नकल विहीन हो और अगर कोई ऐसा नकल करने वाला कोई संगठन हो या संगठित अपराध कर रहा तो उसके खिलाफ कानून बना करके उसे विधानसभा से पास कराया और उसके बाद फिर से ये परीक्षाएं कराई गई हैं। हालांकि ये परीक्षाएं क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो ठीक लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले परीक्षाएं फिर से कराई गई। इस वक्त हम एक ऐसे ही जो परीक्षा केंद्र उसके बाहर है, हालांकि कुछ यहाँ पर अब परीक्षार्थी बाहर है, कोई कुछ नजर आ रहा है तो कोई थोड़ा सा उदासी से जा रहा है। हालांकि अभी तक जो आप बात करने की करें, आप लोग बताइए, आप परीक्षा दे आए कैसा गया? देखिए, कोई रुकने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ दूर दराज से लड़के आए हैं और यहाँ पर वो लोग एग्जाम भीतर देने आए हैं। पेपर किस तरीके का था बता रहे हैं कि अच्छा पेपर रहा है। अब तक कहीं से भी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये हुआ था, जब ये एग्जाम चल रहे थे तभी सूचनाएं आने शुरू हो गई थी कि कोई किसी दूसरे की जगह पर बैठ रहा है, कहीं से नकल कराई जा रही है, पेपर पर्चे लीक हो गए, लेकिन अब तक इस तरीके की कोई भी सूचना पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं आई है। हालांकि इस तरीके के कुछ अफवाह फैलाए गए थे तो उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। तो फिलहाल ये कहें कि पहले दिन का पेपर सकुशल संपन्न हो गया है, कल परसों यानी कि 24 और 25 तारीख को भी बिल्कुल लीक प्रूफ परीक्षा कहा जाए कि लोकेश इस बार जो है वो कराने के प्रति जिस तरह से सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है उसका नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं पहले दिन दिखाई दे रहा है। सुंदर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। सुंदर, अलीगढ़ से किस तरह की तस्वीरें हैं, पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ जानकारी अपडेट सामने आ रही है परीक्षा को लेकर? जी शांतनु, मैं आपको बता दूं, आज जो पहला दिन था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का, दूसरी पारी का जो परीक्षा है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और छात्र परीक्षा देकर बाहर निकले हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। छात्रों का साफ तौर पर यही कह रहा है कि जो परीक्षा फल है वो बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका और कहां से आप परीक्षा देने के लिए आए? अवनी शर्मा, मेरठ से आया हूं मैं पेपर देने और पेपर काफी अच्छा था।
कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, जीएस मैथ काफी अच्छा था और रीजनिंग नॉर्मल थी बिल्कुल। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? और हिंदी बिल्कुल आसान थी। कैसी व्यवस्था, कैसी थी प्रशासनिक व्यवस्था? बहुत अच्छी थी, अच्छी व्यवस्था थी, बस थोड़ा बारिश ने परेशान किया, वरना सब कुछ बहुत अच्छा था। और भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप परीक्षा देकर आइए, कैसा पेपर था? ठीक था, थोड़ा टफ भी था लेकिन टाइम की बहुत कमी थी। व्यवस्था सही थी, थोड़ी लाइट की दिक्कत थी लेकिन बाद में सही हो गई थी। और भी कुछ है जो परीक्षा देने के लिए? क्या नाम है आपका? एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए? मथुरा से। मथुरा, कैसा पेपर था? अच्छी व्यवस्था, अच्छा पेपर, अच्छा पेपर, अच्छी व्यवस्था। अच्छा, देखिए शांत साफ तौर पर ठीक है, सुंदर, वापस आएंगे आपके पास। तमाम परीक्षार्थियों से बातचीत करते रहिए। अनूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, परीक्षार्थी बाहर आना शुरू कर दिए हैं, क्या कुछ कहना है इन तमाम परीक्षार्थियों का और क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल, सेकंड पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है और परीक्षा खत्म होने के बाद जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो बाहर आ रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। पेपर आपने दिया, कैसा पेपर अच्छा रहा? क्या अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा। जो इस बार इंतजाम किए गए हैं वो कैसे इंतजाम आपको लगे? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पे, तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो निकल रहे हैं। पेपर खत्म हो गया, क्या कहेंगे आपने? क्या कहेंगे भैया, कैसे इंतजाम रहे? बहुत अच्छा था सर। व्यवस्थाओं को लेके क्या कहेंगे? व्यवस्थाओं को लेके मैं क्या कहेंगे, जिस तरह से इस बार जो व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? सर बढ़िया हुआ पेपर तो बिल्कुल, क्योंकि अब पेपर खत्म हो गया है, लिया जा बहुत जल्दी में सभी हैं। और मैं बात करूंगा भैया, आप परीक्षार्थी रहे, आप एग्जाम दे करके बाहर निकले हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए? संतुष्ट है जो इस बार सरकार और प्रशासन ने इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही, पेपर भी बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ही है। यही है कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा वो तो निकल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं, मैं 89 अटेंड किया हूँ, अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है बिल्कुल, है काफ़ी संतुष्ट लोग दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। मैम मेरे साथ हैं, मैम क्या कहेंगी, पेपर आप देखे निकली, किस तरह पेपर रहा? बढ़िया रहा। इजी था या टफ था? थोड़ा सा टफ भी था, इजी भी था, नॉर्मल ही था। सरकार ने जो इंतजाम किए इस बार, सरकार प्रशासन ने किए, उससे संतुष्ट आप लोग? हाँ हाँ, ये है हम तो संतुष्ट। बिल्कुल, यहाँ पे और लोग मैं क्या कहेंगे, आप पेपर दे के निकले हैं, सरकार जो इंतजाम किए गए उसको लेके क्या कहेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे तमाम लोग जो है वो निकल रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, आप पेपर दे के निकले हैं, किस तरह के इंतजाम आपको लगे इस बार? चलिए अनूप, वक्त की कमी है, आप सभी को रोकना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आगरा पुलिस ने एक मुन्ना भाई को भी पकड़ा है जो कि फर्जी आधार कार्ड पर परीक्षा दे रहा था, और पुलिस भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। पहले भी दूसरे आधार कार्ड से परीक्षा दे चुका है विमल कुमार नाम का ये शख्स, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साकेत विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज का मामला है। आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्म है और बीजेपी